रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं हूँ वकास अली फ्रॉम साउथ अमेरिका चिली से। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक बहुत ही प्यारी जगह पर, और ये जो जगह है बल्दीविया में है, यानी कि बल्दीविया सेंटर में नहीं है, सेंटर से बाहर है। तकरीबन अगर आप सेंटर से आएँ तो इस जगह पर आधा घंटा लगेगा, और यहाँ पर आने के लिए आप टैक्सी भी बुकिंग करवा सकते हैं, उबर भी बुक करवा सकते हैं, और बस पे भी आ सकते हैं आप। और ये वाली जो जगह है, इस जगह का नाम है नियेवला। नियेवला है, स्पेनिश में कहते हैं नियेवला। आप देख सकते हैं जी पीछे की साइड समुंदर का नज़ारा। और ये वाली जो जगह है नियेवला, ये समुंदर पर है, ये देख सकते हैं आप। और ये देखें ऊपर की साइड भी, अभी मैं ऊपर की साइड भी जाऊँगा। और दूसरा, बल्दीविया जो शहर है और ये वाली जगह जो है तकरीबन 500 साल पुरानी है, यानी कि तब चिली भी आज़ाद नहीं हुआ था। चिली को आज़ाद हुए तकरीबन 200 साल हुए हैं, और ये वाली जो जगह है और बल्दीविया जो सिटी है तकरीबन 500 साल पुरानी है। ऊपर की साइड जा रहा हूँ, ये देखें, और इस साइड का नज़ारा देखें। और दूसरा, अगर आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो लाजमी इस जगह पर आएं, विज़िट करें। और इस जगह की टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आप एंटर हों बिल्कुल फ्री, और विज़िट करें और हिस्ट्रीज़ देखें चिली के बारे। यहाँ पर आपको काफ़ी हिस्ट्रीज़ मिलेंगी चिली के बारे में इस जगह पर। आप इस जगह पर आना चाहते हैं विज़िट के लिए तो जैकेट आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत है। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है चिली में, लेकिन अगर आप साउथ एरिया में आएंगे तो सर्दी आपको फील होगी। यहाँ पर जो गर्मी का टम्परेचर है ज़्यादा नहीं होता है। और दूसरा, जो चिली के समुंदर का पानी है ना, वो ठंडा है। और अभी ये देखें, मैंने गर्मी का सीज़न है लेकिन यहाँ पर मैंने जैकेट पहनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी फील हो रही है। और क्या नज़ारा है देखें जी, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के निज़ाम, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी जगह ये वाली। लाजमी पाकिस्तान को और इंडिया को और बांग्लादेश को कहीं भी हैं, मैं आप मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप चिली में आएँ विज़िट के लिए तो इस जगह पर लाजमी विज़िट कीजिएगा। ये जो बंदा है ये ट्रांसलेट कर रहा है और बता रहा है इस जगह के बारे में स्पेनिश में। Por esa razón O'Higgins contrató a Lord Cochrane, un marino británico, y Cochrane comandó a las tropas patriotas y fue a fusil bayoneta tomándose fortaleza por fortaleza. Y la toma de Valdivia, esa batalla, va a ocurrir allá en Corral. Y si se preguntan, ¿qué pasó acá en Niebla? ¿Por qué no fue una batalla? Hay un proverbio chileno por ahí que dice, soldado que arranca, sirve para la guerra. Los españoles que estaban acá, al ver la embarrada que estaba enfrente, agarraron sus cositas y se fueron a la ciudad. Por esa razón, ellos fueron obligados a trabajar ahí. La piedra, que ustedes están viendo ahí, no está montada una sobre otra así como así. Tuvo que ser pegada. Esta roca grisácea, que a simple vista parece una roca natural, no lo es. Son puros restos del pegamento que se conoce como argamasa, una mezcla de cal, hierro, conchas de mar, agua y arena. Similar a una mezcla que se hizo en Santiago, que se conoce como cal y canto, que se hacía con huevo. En el sur, en vez de huevo, conchas de mar. Aquí se hizo la mezcla. Acá sobró. Lo que sobró, no lo van a sacar ni nada, porque los presos van a tener que cavar un túnel. La entrada al túnel la vamos a ver aquí a continuación. Pero por favor no se olviden, se los voy a preguntar. La piedra se llama Chancagua y el pegamento argamasa. Vamos a ver la entrada. नीचे की साइड एक ग्रुप आया है और यहाँ पर ट्रांसलेटर भी आए। मेरा कहने का मकसद है, जो यहाँ पर इस जगह के बारे में बताते हैं डिटेल से। और दूसरा, यहाँ पर है स्पेनिश, स्पेनिश ज़ुबान बोलते हैं, और कुछ यहाँ पर ट्रांसलेटर हैं जिनको इंग्लिश आती है। इंग्लिश से मुराद ये है कि अगर कोई दूसरी कंट्री से आता है, लंदन से, अमेरिका से, यूएसए से, तो उनके लिए भी यहाँ पर ट्रांसलेटर हैं, वो इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट कर कर बताते हैं कि इस जगह की हिस्ट्री क्या थी। दिव्या जो सिटी है,
इसके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए काफ़ी मुल्कों ने ट्राई की थी, यानी कि ये चिली से ले लिया जाए, ये वाली सिटी जो है, ये सिटी और ये वाली जो जगह है नियेवला, काफ़ी हुकूमतों ने ट्राई की और नाकाम रहे। मैं आपको कुछ कंट्रीज़ का नाम बताता हूँ जिन्होंने ये ट्राई की थी कि ये वाली जगह जो है हम इनसे छीन लें चिली से। लंदन ने, और उसके बाद नदरलैंड ने, और स्पेन ने। स्पेन ने यहाँ पर हुकूमत की थी लेकिन उसके बाद वो भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि चिली जो है वो कहता था ये हमारा हिस्सा है और हम इसको फ्रीडम चाहते हैं, और अभी जो है ये विस्टर का हिस्सा बन चुका है और ये चिली का पार्ट है। अभी यहाँ पर लोग आते हैं, घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं जगह को। गवर्नमेंट ने ये एक स्पेशल रास्ता बनाया हुआ है स्टील का विस्टर लोगों के लिए, और विस्टर जो लोग हैं यहाँ ऊपर तक आते हैं और इन्जॉय करते हैं इस पूरी जगह को, और बहुत ही प्यारा रास्ता बनाया है। ये देखें, पीछे की साइड में आपको दिखा रहा हूँ। मैं एक म्यूज़ियम में आ गया हूँ, यहाँ पर काफ़ी हिस्ट्रीज इस म्यूज़ियम में भी, और ये जो वाला नक्शा है ये पुराना नक्शा है, पूरी दुनिया का पुराना नक्शा जो पुराने दौर में इस्तेमाल किया जाता था। ये देखें, काफ़ी है यहाँ पर, ये भी है। चिलियन लोग हैं जी, मापूचे इनको कहते हैं, ये भी चिली के पुराने लोग हैं, इन्होंने भी फाइट की है इस जगह के लिए और बल्दीविया के लिए, और ये इनकी ड्रेसिंग है। तो दिखाते हैं ये वाले जी पुराने ब्रिटिश, यानी कि जो यहाँ पर हुकूमत कर कर गए हैं, और ये यूनिफॉर्म है पुरानी आर्मी, ये एक पुतला बनाया हुआ है इनका जी, पुराने ज़माने का मटेरियल है, पत्थरों के वो बनाए हुए हैं गोले जिन्हों से ये फाइट करते थे। ये देखें, ये पीछे की साइड ये सारा नक्शा है इसका, और ये वाले पत्थर हैं। El puesto de vigía se encontraba en el Morro Gonzalo, en el cerro más alto allá al final. Él se encargaba de vigilar la entrada. Si ve un barco enemigo, ¿cómo lo reconocen los barcos? Por la bandera. Si veía una bandera negra, una Jolly Roger, y paraba un solo cañonazo, se preparaban los artilleros y, como les dije afuera, si un barco se atrevía a entrar, 120 cañones le daban la calurosa bienvenida. Imposible entrar, al menos por mar. El antemural del Pacífico Sur era como le conocían los piratas y corsarios a los vestidos del fin del mundo, lo que usted está visitando. Entonces, ¿por qué se protege tanto la ciudad de Valdivia? Eso es lo que le voy a responder. Y espero que esto nunca se les olvide, porque es lo más importante. Si yo le pregunto al amigo de John, ¿qué buscan los piratas? En general, ¿qué buscan? Tesoro, correcto. Yo creo que todos tienen muy en claro que los piratas buscan riqueza, metales preciosos como el oro y la plata. Y no se equivoca, fíjese usted. Original chileno, boy. Y este dressing, y este, miren. Aquí está escrito chileno. Y con esto, las chilenas. Esta era su dressing, los antiguos que ये देखें चिलेना, यानी कि लेडीज़ को ये कहते हैं चिलेना। इसके जो पुतले हैं स्पेन के, स्पेन ने भी यहाँ पर हुकूमत की है, ये देखें। और यहाँ पर ये है जी स्पेन का झंडा, और ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है इसके बारे में। म्यूज़ियम की बैक साइड है, पहले मैं म्यूज़ियम के अंदर था, ये म्यूज़ियम वहाँ तक है, काफ़ी बड़ा ये म्यूज़ियम है, और इस म्यूज़ियम के अंदर आपको पता चलेगा इस जगह के बारे में, चिली के बारे में, और यहाँ पर किन किन मुल्कों ने आकर हुकूमत की है। और दूसरा अंदर स्पेनिश में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी है, दोनों ट्रांसलेट आपको मिलेंगी और आपको पता चलेगा इस जगह के बारे में। और दूसरा, यहाँ पर काफ़ी मुल्कों ने हुकूमत की है लेकिन वो नाकाम रहे हैं। और दूसरा, ये पीछे की साइड आपको एक लाइन नज़र आ रही है ना, ये पहाड़, वहाँ पर भी घर हैं, लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी चिलियन पुराने लोग रहते थे और अभी भी रहते हैं। ये पुरानी तोपें जो जंग के दौरान इस जगह पर इस्तेमाल की गई थी, ये देखें नीचे की साइड ये पड़ी हुई है, ये लाइन में है, ये मैं आपको दिखाता हूँ।
वहाँ तक। देखें, और दूसरा, ये वाली तोपें इस्तेमाल इसलिए की गई थी उस जगह पर कब्ज़ा करने के लिए, ये जो सामने आपको नज़र आ रही हैं। अभी वहाँ पर भी रहायशें हैं लेकिन कोई ब्रिज नहीं है, लोग उस जगह पर जाने के लिए कश्ती इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको नियेवला पूरी जगह दिखाता हूँ, ये वाली, ये देखें, ये ऊपर की साइड है और ये देखें कितनी बड़ी ये जगह है। ये थी मेरी आज की नई वीडियो और ये था मेरा आज का विज़िट इस जगह पर नियेवला। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और उसके बाद जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। बेल आइकॉन का बटन दबाने का मकसद यह है कि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँगा, वो आपको मिलती रहेगी। दूसरा, मेरे दोस्तों, वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स किया करें और अपनी राय दें। आप चिली से किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है टूरिस्ट टीवी वक्कास अली फ्रॉम चिली से। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।